हेलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट सिक्स इससे पहले हम जो है पार्ट वन से लेकर पार्ट फाइव तक कवर कर चुके हैं तो जिसको पार्ट वन से पार्ट फाइव देखना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहाँ से देख सकते हैं या आप चैनल की प्ले में जाकर भी देख सकते हैं ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जो है लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे कोई से भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो चाहे आप बी एल एल बी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो चाहे आप एल एल बी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो हम स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन पार्ट फाइव तक के हम जो है टू फिफ्टी तक के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं तो आज हम टू फिफ्टी वन से कवर करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी वन फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस इज अ मस्ट टू बी एबल टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिस रूल वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाई द बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी टू यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन फॉर वॉमेन इन तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए हॉरिजॉन्टली एंड ईच कैटेगरी ओ बी सी एस सी एस टी एंड अदर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल नॉन गैजेटेड पुलिस पोस्ट इन ऑल यूनियन टेरेटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी थ्री एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाइएस्ट इन दर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी गवर्नर ऑफ अ स्टेट विथ इन हिज स्टेट क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी फोर वट इज़ अड तो इस ये इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी मॉक कोर्ट फॉर प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट इन जनरल क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी फाइव द टेम्परे रिलीज ऑफ अ कन्विक्टेड प्रिजनल फ्रॉम जेल फॉर आ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड पेरोल तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी पेरोल क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी सिक्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन मेक लॉ ड्यूरिंग रिसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू ऑर्डिनेंस तो टू फिफ्टी सिक्स का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर वो है डी ऑर्डिनेंस क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी सेवन हु कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी के सी वे क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी एट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वह ए आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सब ऑर्डिनेट टू हिम क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी नाइन वोट ऑन अकाउंट इज मीन फॉर अप्रोप्रिएटिंग फंडस पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट तो टू फिफ्टी नाइन का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी तो टू सिक्सटी का जो हमारा करेक्ट आंसर है वह सी फेज टू फेस क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी वन दैनेजर ऑफ वक्फ इज नोन एज तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह सी मुतवली क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी टू इप्स फैक्टो मीन्स तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी बाय रीजन ऑफ दैट फैक्ट क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी थ्री रिक्विजीशन मीन्स तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह सी टेकिंग कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी टेम्परेली क्वेश्चन नंबर 264 सिक्सटी फोर कॉरोबरेटिव एविडेंस मीन्स इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी एविडेंस विच सपोर्ट्स अदर एविडेंस क्वेश्चन नंबर 265 सिक्सटी फाइव एक्स पार्टी डिसीजन मीन्स अ डिसीजन गिवन तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी विथाउट हेयरिंग द अपोनेंट क्वेश्चन नंबर 266 सिक्सटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज अटरी कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी ब्रिटिश क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया तो टू सिक्सटी सेवन का इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी राइट टू प्रॉपर्टी ये अब लीगल राइट right है क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी एट विच ऑफ द फॉलोविंग मैरिजिज इज अप्रूव्ड बाई इस्लामिक लॉ बिटवीन अ मुस्लिम तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर वो है ए क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी नाइन विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेन फ्रेम डिड नॉट प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर वो है सी यूएसए क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी रिशो डिस मीन्स तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी वन बेनिफिट टैक्स इज़ आर टैक्स इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच बेनिफिट्स क्वेश्चन नंबर टू सेवनटी टू मेडिकल साइंस यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स इज नोन एज फॉरेंसिक साइंस तो टू सेवेंटी टू का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी थ्री इंट्रा वायरस मीन्स विथ इन द तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है टू थ्री का वो है ए क्वेश्चन नंबर टू सेवनटी फोर मूड्स इन लॉ स्कूल्स आर तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी लीगल प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी केस आर्ग्यू बाय टू अपोजिंग स्टूडेंट्स बिफोर अ बेंच टू बी अ रियल कोर्ट क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी फाइव शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस इज तो टू सेवेंटी फाइव का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी रिलीजियसली न्यूट्रल क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट तो इसमें हम बात करें तो इसमें जो है डी राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी सेवन नो फॉल्ट लाइबिलिटी मीन्स तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी एब्सल्यूट लाइबिलिटी इवन विथआउट एनी नेग्लिजेंस और फॉल्ट क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी एट अ हजबैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी दिस राइट इज कॉल्ड इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी नाइन रिलीज ऑफ प्रिजनर बिफोर कंप्लीशन ऑफ इस सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी नाइन तो टू सेवेंटी नाइन का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू एटी रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन इज तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह सी कन्विक्शन क्वेश्चन नंबर टू एटी वन विच इज द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ इन इंडिया तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वह बी मनुस्मृति क्वेश्चन नंबर टू एटी टू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर वह सी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ क्वेश्चन नंबर टू एटी थ्री अ नॉमिनल सम टोकन फॉर स्ट्राइकिंग अ सेल इज कॉल्ड तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है ए अर्नेस्ट मनी क्वेश्चन नंबर टू एटी फोर ज्वाइंट हेयर्स टू अ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड को पार्सनर्स तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी क्वेश्चन नंबर टू एटी फाइव द राइट ऑफ पार्टी ऑफ इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी लोकस स्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 286 इंडियन पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए क्वेश्चन नंबर 287 एटी सेवन द सुप्रीम कोर्ट हैल्ड दैट एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द केस ऑफ तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज बी देसाई क्वेश्चन नंबर टू वेन द मास्टर इज हेड लाइवल फॉर द रोंगफफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट द लाइब्रेटी इज कॉल्ड रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट दिस लाइब्रेटी इज़ कॉल्ड तो टू एटी एट का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी विकेरियस लाइब्रेटी क्वेश्चन नंबर टू एटी नाइन द एक्ट ऑफ अनलॉफुल एंट्रिंग इन टूज अन अदर प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट ट्रेस पास तो टू एटी नाइन का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है ए क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडियन सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज चेयर बाय अ मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर वो है सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी वन इन ईयर टू थाउजेंड टू द कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई रिप्लेसिंग तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर वो है डी एम आर टी पी एक्ट मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट नाइनटीन सिक्सटी नाइन ठीक है क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी टू अ राइट टू रिकवर टाइम बैड डैप्ट इज तो टू नाइन्टी टू का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह सी इम परफेक्ट राइट क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी थ्री लॉ रिलेटिंग टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैज़ बीन कोडिफाइड बाय इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ए जेनेवा कन्वेंशन पब्लिक हॉलीडे आर डिक्लेयर्ड अंडर तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वह है टू नाइन्टी फोर का डी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्वेश्चन नंबर 295. व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन तो बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 296. ऑफेंस विच कैन बी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज़ इज नोन एस कंपाउंडेबल ऑफेंस टू का सी करेक्ट आंसर है Question number 297, if a witness makes a statement in court knowing it to be false, he commits the offence of, its correct answer is C, perjury. Question number 298, a formal instrument by which one person empower another to represent him is known as, its correct answer B, power of attorney. Question number 299, the offence of inciting disaffection, hatred or contempt अगेंस्ट गवर्नमेंट इज तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है टू नाइन्टी नाइन का वो है सी सडिशन क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड अ पार्टी टू दिस सूट इज कॉल्ड इसका हमारा इसमें करेट आंसर है थ्री हंड्रेड का सी लिटिगन ठीक है यह था हमारे लीगल एप्टिट्यूट सीरीज का पार्ट सिक्स थैंक यू